ओके हेलो एवरीवन टुडे टूडे विल टॉक अबाउट हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि हमारा सिस्टोलिक या डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर जो हैं वो एलिवेट हो जाएं नॉर्मली हम क्या कंसीडर करते हैं एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर दैट इज़ 120 ट्वेंटी बाई एटी जो हम 120 ऊपर लिखते हैं दैट इज़ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड एटी इज़ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक सिस्टोल होता है जब हमारा जो हार्ट मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल्स वेन कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नोन एज सिस्टोल एंड वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करते हैं दैट इज नोन एज डायस्टोल सिस्टोल के वक्त कॉन्ट्रैक्शन के वक्त वो आर्टरीज की वॉल के ऊपर कितना प्रेशर डाल रहे हैं दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोल के वक्त कितना प्रेशर लग रहा है दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अब हाइपर टेंशन कब होता है 120 और 80 है या फिर इससे कम है तो दैट इज़ नॉर्मल और अगर 120 ट्वेंटी टू वन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 टू 89 नाइन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो दैट इज़ प्री हाइपरटेंशन इतना ये मैटर नहीं करता 135 तक हम लोग वैसे नॉर्मली कहते हैं पर अगर हमें स्पेसिफाई करना ही है इनकी कौन सी हाइपरटेंशन की स्टेज है तो फिर हम प्री हाइपरटेंशन बोलेंगे मोर देन वन फोर्टी टू नाइन्टी हम बोलते हैं कि दिस स्टेज इज़ द हाइपर टेंशन वन फोर्टी से ज़्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नाइन्टी से ज़्यादा डायस्टोलिक वन फोर्टी टू वन फिफ्टी नाइन सिस्टॉलिक हो जाए तो स्टेज वन और वन सिक्सटी बाई हंड्रेड से ऊपर हो जाए तो तो स्टेज टू अब ये जो हाइपर टेंशन है इसकी इटियोलॉजी क्या होती है इटियोलॉजी का मतलब होता है कि उसका कॉज का रीजन क्या है तो क्यों होता है एक है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी प्राइमरी का मतलब है कि वो हाइपरटेंशन जो है उसका कोई अंडरलाइन कॉज नहीं है लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है कोई ऐसी बीमारी थी हमें जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हुआ जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा फियोक्रोमोसाइटोमा होता है कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड हैं उनका ट्यूमर होना और एड्रिनल ग्लैंड क्या से करते हैं एड्रिनल वो क्या होता है वो एक स्ट्रेस हार्मोन है तो वो क्या करना चाहेगा वो विजो कंस्ट्रक्शन करना चाहेगा मतलब जो भी स्ट्रेस के रिलेटेड हॉर्मोन्स होंगे वो हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन तो करेंगे नहीं स्ट्रेस हॉर्मोन्स तो ऑब्वियसली कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे तो दैट विल लीड टू हाइपरटेंशन की फ्योक्रोमोसाइटोमा है ट्यूमर है एटर्नरी ग्लैंड का सेकेंड इज क्वाक्टेशन ऑफ अयोटा क्वाक्टेशन का मतलब है कंजनाइटली नैरोइंग हो जानी जैसे ये अयोटा थी नॉर्मल और नैरोइंग हो जानी एक जगह से ऐसे सो दिस इज क्वाक्टेशन नेक्स्ट इज़ किडनी प्रॉब्लम मान लो कि किडनी में प्रॉब्लम आ गई है अब पहले क्या हो रहा था कि सोडियम क्लोराइड जैसे कि सॉल्ट है और वाटर है उसकी एक्सक्रीशन हो रही थी लेकिन अब सोडियम क्लोराइड जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा रिटेन कर रहा है उसकी वजह से क्या होता है हमारा ब्लड वॉल्यूम जो होता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड की लेवल बढ़ गई है तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा लास्ट इज़ प्राइमरी एल्डोस्टिरोनिज्म एल्डोस्टिरोन का फंक्शन क्या होता है कि वो सोडियम क्लोराइड या सोडियम की बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन करे किडनी से तो अगर वो रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की ज़्यादा करेगा बॉडी में तो इवेंचुअली ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो दैट इज़ ब्लड प्रेशर बढ़ना मोस्ट ऑफ़ द टाइम सिम्टम्स नहीं होते सिम्टोमेटिक होती है ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हमें डायग्नोस कैसे करते हैं जब हम लोग मेजर करते हैं बीपी को हाइपरटेंशन जो है वो सिम्टोमेटिक होती है अनटिल कोई एंड ऑर्गन डैमेज हो गया उससे पहले पता नहीं लगता देन कम्स द रिस्क फैक्टर्स पहला रिस्क फैक्टर है एज ओल्ड एज में ज़्यादातर ये लोगों को होती है देन इट्स फैमिली हिस्ट्री डॉक्टर पूछता है कि आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये फैमिलियल हाइपर है नेक्स्ट इज ओबेसिटी हाइपर टेंशन होने के चांसेस हैं क्योंकि एथरोस्क्लेरोसिस हो सकती है नेक्स्ट इज सॉल्ट इंक्रीज सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड इंक्रीज़ होगा पोटाशियम का इंटेक कम होगा ऑयल का इंटेक ज़्यादा होगा एल्कोहल का इंटेक ज़्यादा होगा और स्ट्रेस हॉर्मोन्स होंगे तो ऑब्वियसली वो हाइपर टेंशन कॉल कर सकते हैं देन कम्स द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर हम ब्लड प्रेशर मेजर कैसे करते हैं कार्डियक आउटपुट इंटू टी पी आर या पी वी आर दैट इज टोटल पेरीफ्रल रेजिस्टेंस टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ये कहाँ पे होती है ये जो रेगुलेशन है ये मेनली फोर एनाटोमिकल साइट्स में होती है फर्स्ट इज आर्टीरियल सेकेंड इज वीन्स बेसिकली पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स थर्ड इज़ हार्ट और फोर्थ है किडनी इन चार जगह पे इन एनाटॉमिक जगह पे हमारी रेगुलेशन होती है कैसे होती है इनकी कॉन्स्ट्रक्शन कर कर डायलेशन कर बढ़ा कर हार्ट रेट बढ़ाकर कम कर कर किडनी में से रीअब्सॉर्बेशन कर कर वॉल्यूम बढ़ाकर फ्लूइड का इन सब की इन सब से रेगुलेशन हो जाती है दो चीज़ें होती हैं रेगुलेट करने के लिए एक है हमारे बैरो रिफ्लेक्सेस दूसरा है रास सिस्टम बैरो रिफ्लेक्सेस हमारे जो हम मैंने आपको बताया था कि बैरो रिसेप्टर्स होते हैं कैरोटेड बैरो रिसेप्टर्स हमारे नेक में होते हैं और रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम तो इन दोनों से रेगुलेट होते हैं सबसे पहले हम बैरो रिफ्लेक्सेस देखते हैं बैरो रिफ्लेक्स हमारी उस आर्टरी में क्या हुआ कि ज़्यादा ब्लड फ्लो चला गया नॉर्मल चला गया तो क्या हुआ वॉल स्ट्रेच हो गई जो हमारी आर्टरी थी उसकी वॉल स्ट्रेच हो गई जब वो आर्टरी की वॉल स्ट्रेच होती है तो वो कैरोटेड रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करती है वो आगे क्या करते हैं ये अगर ये बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो इनहिबिट करेंगे सिंपैथेटिक डिस्चार्ज फ्रॉम सी एन एस और अगर इसका उल्टा हो जाए जैसे कि स्ट्रेच जो है वो कम हो जाए मतलब ब्लड प्रेशर कम हो गया इसका मतलब तो अगर ब्लड प्रेशर कम हो स्ट्रेच कम हो तो कैरोटेड रिसेप्टर्स स्टिमुलेट नहीं होंगे और अगर वो स्टिमुलेट नहीं होंगे वो इसको सेंट्रल सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को भी इनहिबिट नहीं करेंगे तो दैट इज़ वही लिखा मैंने कि डिसइनहिबिटेड हो गए हैं ये अब ये इनहिबिट नहीं रहे अब ये अपना सिंपैथेटिक डिस्चार्ज करेंगे ताकि ब्लड प्रेशर को वो इंक्रीज कर सकें इवेंचुअली अब ये जो सेंट्रल सिंपेथेटिक डिस्चार्ज है ये कैसे एक्ट करेंगे अगर ब्लड प्रेशर कम है तो हम चाहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़े तो क्या ऐसे एक्शंस होंगे जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा पहला कि वो टोटल पेरिफिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे दैट इज़ हाउ बाय कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स जो कि हमने यहाँ पे पहला पढ़ा कि एनाटॉमिक साइट है आर्टेरियोल्स तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे और उनका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे सेकेंड इज कार्डियक आउटपुट को हम इंक्रीज करेंगे वो कैसे कर सकते हैं अगर हम हार्ट को स्टिमुलेट करें हार्ट को ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा नेक्स्ट इज वीनस रिटर्न इंक्रीज करना वीनस रिटर्न कैसे इंक्रीज करेंगे अगर वेंस जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए तो उनकी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी वो कम होल्ड कर पाएंगे ब्लड तो कम होल्ड कर पाएंगे मतलब वो ज़्यादा देंगे हार्ट को तो दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटेंस वेसल्स या फिर वेंस ये तो तीन हमने पढ़ लिए आर्टेरियल हार्ट और वेंस फोर्थ हमने बोला किडनी पे इफेक्ट होता है तो किडनी पे क्या इफेक्ट होगा कि सिंपेथेटिक सिस्टम जो है वो रेनिन को इंक्रीज़ करेगा या फिर स्टेमुलेट करेगा और रेनिन का फंक्शन होता है एंजियोटेंसिन टू को इंक्रीज़ करे रेनिन जो है वो एनज्रोटेंसिन ओजन बनाएगा उसके बाद एंजियोटेंसिन वन बनेगा उसके बाद एंजियोटेंसिन टू बनेगा जो कि यहाँ पर लिखा है और उसके उसके बनने से क्या होगा कॉन्स्ट्रिक्शन होगी रेजिस्टेंस वेसल्स में और साथ में रेनिन क्या करता है वो एल्डोस्टेरॉन बनवाएगा एल्डोस्टेरॉन क्या करता है रीअब्जॉर्बन करेगा सॉल्ट और वाटर की अगर हम इनको ट्रीट करना चाहते हैं तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे अब वो जो क्लासेस हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की वो ये हैं फर्स्ट इज़ डायोरेटिक्स सिंपैथोलिटिक्स सी सी बी दैट इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रेनिन एजोटेंसिन एंटागोनिस्ट एंड वीजोडायरेटर्स इसमें से जो डायोरेटिक्स हैं जैसे कि थासाइड्स हो गया लूप डायरेटिक्स हो गए ये सब यूज़ होंगे क्यों यूज़ होते हैं कि ये ब्लड वॉल्यूम को कम कर देंगे इवेंचुअली ये वाटर को फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा ब्लड प्रेशर जो है इवेंचुअली कम हो जाएगा तो इसलिए डायोरेटिक्स आर यूज इन एंटी हाइपरटेंसिव नेक्स्ट इज सी सी बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये क्या करेंगे कैल्शियम जो है जब उसकी इन्फ्लक्स होती है तो हमारी ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है जो ब्लड वेसल्स वैसल्स वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं और जितनी ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देख के क्या करेंगे कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स कम करेंगे जिसकी वजह से वो रिलैक्स हो जाए और अगर वो रिलैक्स होगी तो दैट इज़ एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा नेक्स्ट सिम्पैथोलिटिक्स और रेनेन और वेजोडायलिटर्स जो हैं ये लोग अलग से पढ़ेंगे क्योंकि हमने ये पहले नहीं किया डायोरेटिक्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम पहले भी कर चुके हैं सो so, इनके बारे में अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिम्पैथोलिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे दिस वॉज ऑल अबाउट हाइपर टेंशन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कैन ऑफ एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब थैंक यू